अब हम चलते हैं हमारे मन निर्मलीकरण की ओर। ण के उच्चारण से ममकार टूट जाता है और मो के उच्चारण से अहंकार टूट जाता है। जैसे औषधियों के द्वारा शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है, वैसे ही मंत्र द्वारा भी होता है, रंगों द्वारा भी होता है। अब हम मन को निर्मल करने की क्रिया मन निर्मलीकरण करते हैं। पावर हैंड और नमोकार मंत्र हीलिंग चक्र से अब हम हमारे अष्ट कमल रूपी हृदय मन को साफ करेंगे। उसमें पंच परमेष्ठी की स्थापना करेंगे। एक बार नमोकार मंत्र जपना है। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे पर रखकर हाथों का पिरामिड तैयार कीजिए। इस पिरामिड से हम अष्ट कमल दल की एक एक पंखुड़ी साफ करेंगे और ये कहना है, क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, न और अष्ट यह मूर्धा और तालव्य बीजाक्षर निर्मलीकरण के महान शक्ति दाता है। मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। इसके साथ मनन और चिंतन भी जरूरी है कि मैंने क्या गलत किया है और कैसे इस गलती को सुधार सकता हूँ। अब इस साफ किए अष्ट कमल में हम पावर हैंड और नमोकार मंत्र हीलिंग चक्र से पंच परमेष्ठी की स्थापना करेंगे। बीचों बीच की पंखुड़ी पे दोनों अंगुष्ठों से सफेद रंग में नमो अरिहंताड़म की स्थापना करें। उसके दोनों बाजू की दो पंखुड़ियों पे दोनों तर्जनी से लाल रंग में सिद्धाड़म की स्थापना करें। उसके दोनों बाजू की दो पंखुड़ियों पे दोनों मध्यमा से पीले रंग में नमो आर्याणम की स्थापना करें। उसके दोनों बाजू की दो पंखुड़ियों पे दोनों अनामिका से हरे रंग में नमो उवच्छाड़म की स्थापना करें। उसके दोनों बाजू की दो पंखुड़ियों पे दोनों कनिष्ठा से काले रंग में नमो लोए सव्य साहुणम की स्थापना करें। अष्ट कमल दल में नमोकार मंत्र की स्थापना के बाद मन में सिर्फ दो ही भावनाएं रहनी चाहिए, प्रेम और क्षमा। ओम नमः प्रेम क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा, ओम नमः सबसे क्षमा। इस प्रकार हमने अपने
मन का निर्मलीकरण कर लिया।